हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राइड राइस, बहुत ही क्विक डिलीशियस एंड टेम्पटिंग रेसिपी अकॉर्डिंग टू माय चैनल। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 kg बासमती राइस लिया है, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट भिगो के रख दिया है अच्छे से वॉश करके। और साथ ही साथ मैंने इधर चावलों के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। कभी भी हमको चावल जो है ठंडे पानी में नहीं डालने हैं। यहाँ पर जैसे पानी गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नींबू, जिससे कि हमारे चावल एकदम सफ़ेद सफ़ेद और खिले खिले बने। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 से 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच डालना है हमको इसमें तेल, ताकि हमारे चावल उसमें चिपके नहीं। अब मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, जो मैंने चावल भिगो के रखे थे मैं इसमें डाल देती हूँ। एकदम स्लो स्लो डालिए, ताकि ये आपका हाथ भी मत जले। तो अभी हम सबसे पहले चावल को पका लेंगे। मैंने सबसे पहले चावल की तैयारी इसलिए की है क्योंकि हमको कभी भी फ्राइड राइस में चावल ठंडा ही डालना पड़ता है। चावल पकने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, तब तक हम चिकन और बाकी सब तैयारी कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 1/2 kg बोनलेस चिकन लिया है, तो इसको हमको मैरिनेट करके रखना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप तेज खाते हैं तो। मैं इसमें 1/2 चम्मच चिली सॉस और डाल रही हूँ और इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। अभी इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर से हमारे जो चिकन है उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें डालना ज़रूरी है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी, बच्चों की हेल्थ को देखते हुए। तो थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसको चिकन को मैं रोस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है, गैस को कर देती हूँ शुरू। यहाँ पर डालेंगे हम 2 चम्मच तेल, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर हो गया है तेल गरम। अभी हम इसमें चिकन में डाल देते हैं। फुल गैस पर अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हमको ये चिकन तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए फुल फ्लेम पे। अभी आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए सिम पे ढक के रख देती हूँ, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने फुल पर भी 4 से 5 मिनट इसको फ्राई कर लिया है और अभी 2 से 3 मिनट में ये गल भी जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखेंगे। तो चलिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अभी चेक करते हैं। वाओ, एकदम से हमारा चिकन रेडी हो गया है, एकदम से गल भी गया है। दिखा देती हूँ, और अच्छे से हमारा चिकन गल गया है।
तो अभी हमको इसको साइड में कर देना है चिकन को। साइड में करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 एग, क्योंकि तो मेरे राइस ज़्यादा है इसलिए मैं एग ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम राइस की बना रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, 2 एग डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एग की क्वांटिटी कर सकते हैं कम या ज़्यादा। अभी हमको अच्छे से इसको एग को भूनना है और एग जब भून जाएगा तो इसके हमको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अभी ये एग अभी अच्छे से पक रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ से मतलब कैसा एग लाइक करते हैं। इसके आपको छोटे छोटे पीसेज आप ऐसे भी रख सकते हैं, बड़े एक बड़ा पीस अपने ऊपर है, आपकी चॉइस पर है। आप देख सकती हैं अंडा अच्छे से पक गया है। इसमें मैं अभी थोड़ा सा एग में नमक ऐड कर दूँगी, ओनली एग में, क्योंकि चिकन में तो हमने मसाले डाले हैं पहले से, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। इसको मिक्स कर देते हैं, इसमें छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ एग के, जो कि फ्राइड राइस में, चिकन फ्राइड राइस में बहुत अच्छे लगते हैं। मैं एकदम से छोटे छोटे पीस करती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपने पसंद के अकॉर्डिंग कैसे भी पीस कर सकते हैं। अब इसके छोटे छोटे पीस हो गए हैं, अभी हम चिकन और एग को मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है, अभी मैं कर देती हूँ गैस को बंद। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है फाइनली वेजिटेबल्स को तड़का लगाने की। यहाँ पे मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच तेल और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, जिसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन को चॉप किया था। इसमें लहसुन को हमने ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि चाइनीज़ का हमको उसमें फ्लेवर आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ही बस लहसुन। जैसे ही हमने डाला है स्मेल आने लगे तो हमको इसमें डाल देना है प्याज। बस आपको एक बात का इसमें ध्यान रखना है कि जब हम ये इसको तड़का लगा रहे हैं वेजिटेबल का, तो आपको गैस हमेशा फुल पे रखनी है, क्योंकि जो चाइनीज़ जो हमारा फ्लेवर आता है ना वो फुल पे ही आता है। आपने देखा होगा जो स्ट्रीट पे हम ये लेने जाते हैं ना, जो भी लोग वहाँ पे बना रहे रहते हैं, उनका बहुत बड़ा गैस चूल्हा रहता है, तो वैसा तो हमारा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको आगे अभी एक टिप बताऊंगी जिससे आपका वही वाला चाइनीज़ फ्लेवर आएगा। तो अभी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ गाजर, थोड़ा सा गाजर को हम सॉटे कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, और फिर मैं डालूंगी इसमें पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें वेजिटेबल्स, क्योंकि चिकन फ्राइड राइस है इसमें ज़्यादा वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी इसमें चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए हमको ये पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स वगैरह ये सब डालनी पड़ती है। तो हम फुल गैस पर ही इसको अच्छे से थोड़ा सा सॉटे करेंगे, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें इसको क्रंची नहीं रखना है। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन के पत्ते। अभी इसको अच्छे से सॉटे कर लिया है हमने। तो जो मैं आपको टिप बताने वाली थी कि जिससे जो हम स्ट्रीट पे जो हम लेने जाते हैं फ्राइड राइस या चाइनीज़ लेने जाते हैं, तो उनका वो ऐसा बड़ी गैस वाला फ्लेवर देने के लिए आप क्या कीजिए, 30 सेकंड के लिए इसको बिना हिलाए यहाँ पर गैस पे रख दीजिए, फुल गैस पर। तो उससे क्या होगा ना, जो नीचे का जो लेयर है उस पर थोड़ा सा वैसा ही फ्लेयर आएगा, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। तो ओनली 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं। तो हम 30 सेकंड के लिए इसको छेड़ेंगे नहीं और ऐसा ही इसको रखेंगे। तो 30 सेकंड हो गए हैं, तो अभी हम देखते हैं। यस, बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आ गया है, स्मोकी फ्लेवर जैसा इसमें स्मेल आने लगी है।
तो अभी हमको इसमें डालना है थोड़ा सा सोया सॉस, एक से दो चम्मच, और थोड़ी सी चिली सॉस। मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर अभी हम डालेंगे नमक। नमक हम वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, क्योंकि बाकी हमने चिकन और एग में हम और राइस में नमक डाल चुके हैं, तो ये वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग मैंने डाला है। आप नमक अपने अकॉर्डिंग डालिए। और उसके बाद हमको डालना है काली मिर्च, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये हो गया है हमारा मसाला रेडी, अच्छे से इसको हिलाइए। बहुत अच्छे से मसाला रेडी हो गया है। अब बारी है जो चिकन और एग हमने रेडी करके रखा था इसमें मिलाएं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस को याद रखें फुल पे ही रखना है। अब बारी है हमारी राइस की। अभी मिक्स करेंगे हम राइस जो हमने सबसे पहले बना के रखे थे। अभी हम राइस को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप 2 टेबल स्पून लीजिए, ताकि हमारे अच्छे से राइस जो है मसाले के साथ मिक्स हो जाए। अभी अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूंगी लास्ट में इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो रेडी हो गए हैं हमारे चिकन फ्राइड राइस। गैस को मैं कर देती हूँ बंद, और इट इज़ टाइम टू सर्व। अब मैं आपको बॉल में सर्व करके बताती हूँ। गाइस देखिए, ये है हमारी चिकन फ्राइड राइस जो कि रेडी हो गए हैं। तो प्लीज़ बताइए लाइक एंड कमेंट करके कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और वीडियो ला सकूँ।